पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, जो शनिवार को अमावस्या होती है उसे शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या कहते हैं, किंतु जेठ महीने की अमावस्या को शनि जयंती कहते हैं, क्योंकि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये सब एक ही हैं, खैर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाएगी, जो इस बार 6 जून के दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है। ऐसे में जस्टिस के कारक शनिदेव को प्रसन्न करने का आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। इस दिन आप छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो, या फैमिली कोर्ट कचहरी मुकदमा से परेशान हो, कोर्ट केसेस आपके ऊपर हो चुके हैं, ये सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं। आप समझ ही गए होंगे, वह ग्रह है शनि महाराज। और इन्हीं की जयंती यानी शनि जयंती हर वर्ष की भांति जेठ माह की अमावस्या तिथि को इस बार 6 जून को पड़ रही है। इसलिए यह दिन शनि की कृपा प्राप्त करने और लाइफ में जितनी भी डिस्टर्बेंस आ रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो छूमंतर करने के लिए यह दिन आपके लिए खास हो जाता है। क्या करना है, कैसे करना है और क्या लाभ आपको मिल सकता है, यह सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हर काम में समस्या आ रही है, हर काम में ब्लॉकेज है, नौकरी में भी परेशानी चल रही है, व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, घर में समस्याएं चल रही हैं, कलह है, कोर्ट है, कचहरी है, इसके चक्कर में आप फंसे पड़े हैं, ये सभी समस्याएं खत्म होंगी या नहीं, क्योंकि शनि ग्रह जस्टिस के कारक माने गए हैं। जिंदगी में कष्ट परेशानी ज़्यादातर मामलों में इन्हीं की सारस्वती और ढैया में प्रभाव से आती है, परंतु तभी जब आपके कुछ गलत कार्य किए गए हों, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हों, आपने पिछले 2 साल पहले 5 साल पहले कोई गलत काम किया हो, जब आपके कर्म खराब होने लगते हैं तो शनि आपका साथ छोड़ देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक उपाय करना होगा शनिदेव को शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, कि लोहे की कटोरी खरीद करके लेकर के आए और तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर और किसी मंदिर या शनि मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को छायादान भी कहा जाता है, जिसका वर्णन कई जगहों पर मिलता है, और कुछ जातक मेरे पास भी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, उन्हें भी हम यही रेमेडी रिकमेंड करते हैं। निश्चित ही ढैया और सारस्वती का प्रभाव कम होने लगता है। इसके अलावा एक और उपाय है जो जनरल है, शनि गरीबों को कष्ट देने वाले, किसी का हक मानने वाले, उनको कभी भी नहीं छोड़ते, उनको बख्शते नहीं, इसलिए आप केवल अपने लाइफ में हमेशा उन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो निश्चित ही उनके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। बाकी आप कभी ऐसे फंस गए हों कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो एक उपाय आपको अवश्य करते रहना चाहिए, ओम प्राम प्रेम प्रौ सनिश्चराय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो समस्या जीवन में चल रही है उसमें बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा, अगर आप इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन श्रद्धा भाव से जाप करते हैं। अगला उपाय पितरों से रिलेटेड है, क्योंकि शनिदेव की जयंती अमावस्या तिथि पर पड़ती है और अमावस्या अपने आप में पितरों के लिए, पितरों के
ब्लेसिंग के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसलिए ऐसे जातक जो कहीं ना कहीं पितृदोष से परेशान है या पितृदोष से जुड़ी प्रॉब्लम के कारण सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आय कम है, खर्च बहुत अधिक हो रहा है, पुत्र सुख पाने से आप वंचित हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अपने पितरों को काले तिल का तर्पण अर्पित करें और उसके साथ अपने पितरों के फेवरेट वस्तुओं का डोनेशन करें। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दावा कर सकता हूं कि इससे बेहतर और आसान कोई उपाय नहीं है। वहीं जो अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, समस्याएं सॉल्व हो नहीं है या कुछ क्लियर पाथ मिल ही नहीं रहा, जैसे कि आप कुछ फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तो आप इस दिन शनि मंदिर में जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपके थॉट्स बड़े क्लियर होंगे, आपका जो गोल होगा वो आपको सामने नजर आएगा। अंत में एक दो और उपाय आपको बता रहा हूँ जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये उपाय जनरली आप लोगों को वेल्थ, प्रॉफिट, कष्ट से मुक्ति, मेंटल स्ट्रेस से और लाइफ में ट्रबल्स से निजात दिला सकते हैं। चलते चलते एक छोटा सा उपाय और आप ले लीजिए, एक कौए को आप उस दिन कुछ ना कुछ अवश्य दें और साथ में गरीबों को भोजन भी अवश्य कराएं। जो भी आपको संभव हो सके आपके द्वारा गरीबों को दान अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि महाराज की कृपा आप पर बनेगी ही बनेगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय पर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।